ਜਿਹਨੇ ਪਟਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾ ਦੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਧੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। पर चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस ने एक इतिहास रच दिता भी नॉर्थ इंडिया दे विच पहली बारी अगर कोई सीएम बनया दलित तो वह चरणजीत चन्नी पंजाब कांग्रेस ने बनाया। आखिर वजह की रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े है उन्होंने बाहर का रस्ता विखाता, तुहानू की लगता कि कमी है? काफ़ी गुलदस्ते लैके भी कोठी लोग पहुँच गए, फोन होने शुरू हो गए, ढोल वजने शुरू हो गए, लड्डू वाले डब्बे भी आ गए, पर अचानक शामा होंदिया 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 बाजी पलट गई। अभी तो विकास करना है और विकास जरा पटाकिया च नहीं होंगे, लोगों के दिलों च वसन वास्ते है। अं लोगों के दिलों च वसांगे और 2022 फिर कांग्रेस सरकार आएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने अज अपना जो मुख्यमंत्री तौर पर पंजाब मुख्यमंत्री के तौर पर चार्ज संभाले सकत्तरे दे विच पहुँचते हैं। उन्होंने नाल पहुँचते हैं दो उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ते ओपी सोनी। उन्हें सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्ह के प्रशंसक इस वेल समर्थक काफ़ी वड्डी तादाद बटाला मुर्गी महल्ले दे विच खड़े ने, सो इन्हां तों ही जानने कि अज इत्थे बड़ा जश्न बनाया गया, महल्ला जिहड़ा बहुत खूबसूरत सजाया भी गया दुल्हन की तरह, बड़े पटाखे चले ने। इहदी वजह भी अज खुशी का दिन आ भी साढ़े माझे नूं भाग लगा सरदार सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जिहड़े साढ़े माझे तो बिलोंग करते आ डेरा बाबा नानक तो, और मैं समझना भी वह साढ़े इस इलाके के घर घर च वसे हुए ने। एक ईमानदार निधड़क तो एक कांग्रेस का मान तो सन्मान रखने वाले सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने अज डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया, वो खुशी के अच्छ सारे जने अं खुशी मना रहे हैं और परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं। शुक्र है कि साढ़े माझे भी भाग लगे आ, शुक्र है परमात्मा कि तू साडे वाल भी बोड़िया। दूजी गल ये भी ओपी सोनी जी बने ने, असी उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दें, और चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस ने एक इतिहास रच दिता भी नॉर्थ इंडिया दे विच पहली बारी अगर कोई सीएम बनया दलित तो वह चरणजीत चन्नी पंजाब कांग्रेस ने बनाया। असी ये सारे अज मुबारकबाद देते और अपने सारे मुहल्ले मैं इत्थे कौंसलर एज ए स्पोक्सपर्सन पंजाब कांग्रेस का होने नाते सारे जने असी अज जश्न वास्ते आए हैं। आखिर वजह की रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े है उन्होंने बाहर का रस्ता विखाता, तुहानू की लगता कि कमी है? देखो गल आ भी पिछे जी जो 18 नुक्ते की गल चल रही थी भी साढ़े जोड़े ये 18 नुक्ते उत्ते काम जो करना सी कर नहीं पाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने जोड़े जोड़े प्रोमिस किए थे वो बहुत सारे कंप्लीट किए, ऐसी गल नहीं, बड़ी वधिया उन्होंने सरकार चलाई है, लेकिन कितना कितने आ गए अं कमी महसूस की है। की कमी की? कमी जी महसूस हुई है तुम्हें पता ही आ भी नशे तो थोड़ा जी असी कमी च रह गए, थोड़ा साडा बेअदबी का जो मसला सीगा। नशे की कि कमी कह रहे हो? नशे का बिच तो कह रहे हैं कि होम सर्विस हुई है। नहीं बेअदबी एक लोग कर रहे सन, बेअदबी के मसले च असी थोड़े जे कंदा कमजोर रह गए और कमजोरी का कारण सीगे साढ़े एडवोकेट जनरल नंदा जी जिन्होंने अस्तीफा देता। अगर यह अस्तीफा एडवोकेट साहब पहले ही दे देंगे तो शायद ये चेंज का नौबत भाए ना आती। जो काम साढ़े चार साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोलों नहीं होया, जो इस वेले त्रिदेव ने तीन कप्तान मिले ने कप्तान की जगह देते पंजाब नूं, सो ये जिहड़े तीन कप्तान ने तुहानू की लगता जिहड़ा काम साढ़े चार साल दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं कर सकिया ये 4 महीने दे विच ये कर देंगे, इहो जिहा किहड़ा ना कोई जादू? देखो एक कोशिश तो जरूर होएगी उस लै कहिंदे भी जदों सफ़र शुरू करिए अमृतसर नूं जाणा ते अमृतसर की टिकट तो लै लीए, अज शुरू हो गई है कोशिश भी जिहड़े साडे कम रह गए सन वो कमां नूं कंप्लीट किया जाए और कोशिश जिहड़ी आ वो जरूर रंग लियाएगी। तुसीं भी इत्थे हो, असीं सारे इत्थे आ, तुहानूं खुद पता लग जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तुहानू की लगता जे बन जाते वो चैलेंज सी कि जिहड़े रह गए वो भले वाला काम होया? नहीं देखो ये तो हाईकमांड की गल आ, साडी कांग्रेस हाईकमांड ते चलती है। सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा का कल तो बयान वेख्या होगा, उन्होंने भी कहा भी मैं एज ए कांग्रेसी वर्कर ही खुश हाँ, मैनू किसी अहदे की कोई गल नहीं हैगी, लेकिन जिहड़ी असी लड़ाई शुरू की है भी कहिंदा पंजाब दे काम होने चाहिए आ उन्होंने होनी चाहिए। जिन्हें पटाके तुसीं हुण इत्थे चलाए ने 4 महीनिआं च लगदा कांग्रेस इन्हें पटाके पा देगी?
देखो पटाके नहीं अही पाने के दे आई दे विकास करना है और विकास जड़ा पटाकों च नहीं होंगे लोगों के दिलों वसन वास्ते है अं लोगों के दिलों वसागे और 2022 फिर कांग्रेस सरकार आएगी। सो शामपुरा जी किवें तुसीं देखते हो ये जो संभावना कल दी दिखती पई सी तो मुख्यमंत्री ऐलाने जांदे ने रस्मी तौर पर ऐलान होना खाली बाकी सी तो काफ़ी गुलदस्ते लैके भी कोठी लोग पहुँच गए फोन होने शुरू हो गए ढोल वजने शुरू हो गए लड्डू वाले डब्बे भी आ गए पर अचानक शामा होंदिया 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 कुछ बाजी पलट गई। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है जी देश विदेश दे विच सारे लोगों नूं यही हो गया सीगा कि सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा ही इज़ द नैक्सट सी एम ऑफ पंजाब ते अमेरिका कैनेडा तो रिश्तेदारां दे सारयां नूं फोन आउण लग पे इत्थे भी वधाइयां देण लग पे क्योंकि जिस तरह सेंटर दे विचों जो दिशा निर्देश आए उस तो यही यही सीगा कि सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जिहड़े वो नैक्सट सीएम ने कि जिहड़े चार मुख्य चीज़ां ने नौकरियां दी गल कीती जावे नशे दी गल कीती जावे बेअदबी दे मुद्दे दी गल कीती जावे ते बिजली दे बिलां दी गल कीती जावे ये चारे मुद्दे जिहड़े ने तुहानूं लगदा जी नवीं सरकार जिहड़ी है नवें मुख्यमंत्री जिहड़े ने उप मुख्यमंत्री जिहड़े ने ये क्लीयर कर देणगे ये हल हो जाणगे? इहदे ते देखो जी जिन्ने तुसीं मुद्दे गणाए ने सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा सदा ही इहदे उत्ते बोलदे रहे ने बाकी ज मतलब हर तरह के नाल मतलब जो मुद्दे ने उन्होंने समझाने की कोशिश करेंगे पर स्वाद आने वाले दिन आने वाले दिन च फिका तो नहीं होगा लड्डू का स्वाद यही रहेगा पर तुम इस गल का पता भी जो ऑल इन ऑल सीएम होंगे सीएम ने सारे फैसले लेने होंगे ने जी बिल्कुल। सो भगवालिया जी तुम तो सरकारों के भी सेवावान निभाइया ने इस वे समाज सेवा भी और खास करके ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਔਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੁਚੋਜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਪਰੇਟ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2022 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ। ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਇਸ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਲ। ਦੱਸਾਂਗੇ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।